मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच खबरें आपको दिखाते हैं। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त महेश आहिर ने होटल रेस्टोरेंट स्नैक सेंटर 30 जून से खोलने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार आम जनता होटलों में बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। केवल होम डिलीवरी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 6 बजे से 11 बजे तक करने की अनुमति दी गई है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। साथ ही होटल रेस्टोरेंट स्नैक सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों के आरोग्य का ध्यान देना जरूरी है। चेहरे पर मास्क, हैंड ग्लव्स लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अगर निर्देशों का पालन करते हुए नहीं पाया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मुंबई रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी जनाब सईद नूरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेटर देकर जुमा की नमाज अदा करने की अनुमति मांगी है। रजा एकेडमी के जनाब सईद नूरी ने मांग की है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा की अनुमति दी है, उसी तरह जुमा की नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। मैं मौलाना खलीलुर्रहमान नूरी, आज रजा एकेडमी का सरबराह जनाब अलाप सईद नूरी साहब ने एक ख़त जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जनाब उद्धव साहब ठाकरे को रवाना किया है और इजाज़त मांगी है नमाज जुमा अदा करने की। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा की परमिशन दी है, इसी तरह हम उसी बुनियाद पर हम महाराष्ट्र हुकूमत से जो है सईद नूरी साहब ने ये मुतालबा किया है कि हमें नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी जाए और जो 15 से 20 मिनट में नमाज जुमा ख़त्म हो जाती है और जो हुकूमत के शरायत होंगे हम उन शरायत की पर अमल करते हुए उसकी पाबंदियों के साथ जो है हम नमाज जुमा अदा करेंगे। हम गुजारिश यही करेंगे कि महाराष्ट्र हुकूमत से, उद्धव ठाकरे से, कि हमें नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी आइसक्रीम का ठेला लेकर जाते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वीडियो कानपुर का है, जहां रात के समय सड़क किनारे दुकानदार को आइसक्रीम का ठेला लगाना भारी पड़ गया। इस कोरोना काल में रात के समय कर्फ्यू लगा हुआ है और एक व्यक्ति आइसक्रीम बेच रहा था। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचे तो आइसक्रीम बेचने वाला ठेला छोड़कर भाग गया और पुलिसकर्मी खुद ठेले को चलाकर किनारे लगाने लगा। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो पुलिसकर्मी आइसक्रीम का ठेला चला रहा है। बर्रा में एक प्रकरण सामने आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक सिपाही जो है एक आइसक्रीम का ठेला ले जाते दिख रहा है देर रात को। इसके बारे में जानकारी प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई तो हमें पता चला कि इसमें रात के समय जब जीब्रा राउंड पर थी और क्योंकि नाइट कर्फ्यू लागू है तो जीब्रा ने देखा कि आइसक्रीम बिक रही है और उसको अचानक पुलिस को देखकर उसने भागना शुरू कर दिया अपने ठेले को छोड़कर। तो ये लोग ठेले को साइड करने लग रहे थे, इतने में वो आइसक्रीम वाला वापस आया, उसको समझा बुझा दिया गया किस तरीके से ना किया जाए, उसके बाद वो आइसक्रीम वाला वहाँ से चला गया। ये मामला था। खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के कलवारी थाना क्षेत्र के चरकैला चौराहे की है, जहां एक युवक कीचड़ में लेटकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवक इसी कीचड़ से होकर गुजर रहा था, मगर अचानक बाइक के संतुलन बिगड़ी और वो युवक इसी कीचड़ में गिर गया, जिसके बाद काफ़ी देर तक कीचड़ में ही लेटकर युवक विरोध करने लगा। युवक की मांग थी कि स्थानीय विधायक आकर जायजा ले कि किस तरह से लोग यहाँ से कीचड़ से होकर गुजरते हैं। आपको बता दें कि चरकैला चौराहे से चरकैला बाजार की तरफ जाने के इस रास्ते पर चौराहे के पास बारिश का पानी सड़क पर जमा होता है, इसी वजह से बारिश का पानी सड़कों पर भरा रहता है और आने जाने वाले गिरकर इसमें घायल भी हो जाते हैं। लोगों की शासन प्रशासन से मांग है कि रोड का काम किया जाए और इसका हल निकाला जाए कि ताकि बारिश का पानी रोड पर न जमा हो और लोगों को कीचड़ से होकर न गुजरना पड़े। मुंबई नासिक मार्ग पर कंटेनर और टाटा सुमो की टक्कर हो गई। टाटा सुमो चालक सहित 5 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि इस टक्कर में टाटा सुमो मार्ग से खाई में गिरते गिरते बच गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया। टाटा सुमो में सवार लोग मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए भेजा गया और टाटा सुमो को क्रेन के जरिए रोड पर लाया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।